तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माउंटेन फैमिली में। तो माउंटेन फैमिली, वैसे तो कल लाइव हुए थे हम, तो आप लोगों को पता ही हम कहाँ पे हैं। तो आज है हम अपने ट्रेडिशनल घर में, फार्म हाउस में। तो आज हम यहीं रहने वाले हैं। आज हम टाइम हो चुका है लगभग 5:30 और देखते हैं आज स्टे करेंगे, है ना मामू। और इन दोनों ने लाइव में काफ़ी ज़्यादा मस्ती की है, बहुत ज़्यादा मस्ती की है, तो इनको तो हम कान खींचने वाले हैं तुम सबके। और बेगम साहिब कैसे हो? ठीक है, बिल्कुल। मज़ा आया फिर आपको लाइव आने का? हाँ बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा लगा यार आप लोगों से बात करके, यूँ ही बात करते रहेंगे हम। और अभी इतना ठंड है यहाँ पे कि क्या बताएं। तो अभी आजकल का नज़ारा ऐसा है कुछ, क्योंकि अभी धूप जा चुकी है, तो अभी सर्दियों में कुछ भी नहीं होता है। जो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नीचे, वो अमरूद का पेड़ है और जिसको पाला लग चुका है, और मुझे लगता नहीं है कि वो जिंदा रह पाएगा। और चलो एक और चीज दिखाते हैं यहाँ पे। चलो आप अद्विका आ जा। ये क्या है? मधुमक्खियों का छत्ता। मधुमक्खियों का? अरे प्रकृति, तो क्या टोपुदास लग रही है। ओए मतलब इसमें जहर होता है? नहीं होता, मजाक कर रहा हूँ। मत तोड़, मत तोड़, मत। तो देखो सर्दियों में सब मधुमक्खियां मर जाती है ना प्रकृति। हाँ। सर्दियों में हाँ, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है, वो छोड़ के चले जाती हैं और इकट्ठे कहीं ऐसी जगह पे रहती हैं जहाँ पे इकट्ठे बैठ सके। आपको कुछ दिखाती हूँ। तो ये है काफी सीक्रेट चीज, तो अभी नहीं बताएंगे ये किसकी डायरी है। उसके लिए हम है डायरी। हाँ डायरी है ये, छोटे बच्चों को देनी होगी, बड़े की होगी। बस अब चलो। तो यहाँ पे गांधी जी की दो बंदरियां हैं। नहीं वैसे तो तीन होते हैं। अरे भूकंप आ रहा है, तुम हिला दोगी हमारा घर पूरा। नहीं मुझे नहीं उछलना। बस। और जो आपको अभी आवाजें आ रही ना, वो ऐसे ही होता है, जो लकड़ी वाले घर होते हैं हमारे पुराने घर, उनमें ऐसी ही आवाज आती है। प्रकृति मैं इतना काला क्यों लग रहा हूँ? हाँ ऊपर से एक्चुअली शेड भी पड़ रही है। अच्छा नहीं 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 सॉरी, मैं सोचा मैं यहाँ देखो ना मैं कैसा लग रहा था, अब यहाँ देखो है ना, यहाँ देखो पति यहाँ। अरे वो बच्चे कैसे? अरे बोलते थे आपको बचपन से आप काले और ब्राउन रहते। ऐसे नहीं बोलते यार, एक कसम से। अरे तो अब हम चलते हैं वापस घर की तरफ, क्योंकि टाइम हो चुका है और अब जो है शिवू हम जो है रो रहा होगा हमारे लिए। प्रकृति मुझे अकेला छोड़ के मत जा यार, मुझे बंद करना है। क्यों डर लगता है आपको अकेले? डर लगता है यार हमें, हे भगवान, हमें ऑब्वियसली डर लगता है अकेले। आपको नहीं लगता अकेले डर? पहले ये बताइए इस अमरूद को कैसे बचाएगी तू? ओहो इस अमरूद के लिए ऐसा कहते हैं ये बोरी ना लंबी जैसी करो दोनों तरफ से, चारों तरफ से। ये तो खत्म ही हो गया वैसे, की जान है अभी। सूख रहा है ये, इसको पानी देना पड़ेगा। पानी की वजह नहीं सूख रहा है। जा जा। तो यहाँ पे पुदीना है, थोड़ा सा पुदीना घर ले जाएं ताकि मिंट चाय पी सकें। लो प्रकृति है आपको गिफ्ट, जेब में डाल दो। थैंक्स। किस चीज़ के लिए अच्छा था पता ना? चाय के लिए। आजकल कौन पीता है पुदीना? पुदीना ठंडा होता है क्योंकि। तो आजकल अदरक पीते हैं, अदरक। हम तो पुदीने की चाय भी पियेंगे ना, मजा आता है, चटनी में मजा आता है। चटनी चटनी कौन खाता है यार? हम खा लेंगे यार, क्या हो गया। चले हम इसी से पुदीने से कहते हैं। तो इसी के साथ हम अलविदा कर रहे हैं। तो ये वाला जो था ना यहाँ पे, क्या था बता प्रकृति? खुड़, गाय का। ये वाला हमारा गाय का खुड़ था, किसी टाइम हमारे पास काफी गाय थी 2-3 और उनको हम रखते थे यहाँ पे पैक बिल्कुल। चलते हैं घर की ओर, बिकॉज शिवो हम जो है वो हमें याद कर रहे होंगे। तुम दो पहले तो भाग गए ना बेटा, पर तुम मेरे बगैर तो तुम जा ही नहीं सकते गाड़ी के अंदर। क्यों? क्योंकि चाबी नहीं है तुम्हारे। हम घूम कर आए हैं पर एक। चल खोलो दूध आना, दूध लेने। ये लड़की और ये मैं ये बंदी तेज है। चलो हम तेरे को एक चिड़ू दिखाऊं, एक चिड़िया दिखाऊं। कहाँ गई हो? चल आगे हो, वो दिखता ही नहीं पता है। ये दिखता ही नहीं। तो यहाँ पे मूली की धाम तैयार हो रही है। ये पहाड़ी धाम है जो कि इन गाय के लिए तैयार हो रही है। किसके लिए मामू है धाम? गाय। क्या धाम है? गाय के लिए धाम होती है। अच्छा गाय को मिलती धाम?
गर्मी लगी है, थोड़ा तो ठंडा कर लो। उसको गर्मी लगी भाई, उस अकेली लड़की को गर्मी लगी है। ये बच्चे ना, उनको गर्मी जैसे शिवम है, उसे रात को पता नहीं कैसी गर्मी लगती है। मुझे भी रात को पता नहीं कैसी गर्मी। तो गाड़ी से सब निकल गए, बट सामान तो मुझे ले जाना पड़ता है। दे दो कुछ, दे। तो लो भाई, जिस जिसने शिवम को मिस किया वो बैठा अपनी दादू दादी के साथ, दादी खिला रही है और आज दादू सब्जी बनाएंगे। और शिवम, आपको बहुत मिस किया आज सबने। आज हमें डैडी के कुछ खास चीज मिली। और वो भी कब? 1990 वाली। और उसमें आपने दिखा था कि दो बज के 50 मिनट में पैदा हुआ, मुझे लगा पता, क्योंकि डैडी की डायरी से लिखते थे हर बात लिखते। हाँ, उसमें लिखा था, मैंने इवन देखा था उसमें कि डैडी ने लिखा था 30 किलो चावल 100 कुछ रुपए के, उस टाइम 100 कुछ के मिलते डैडी। और क्या लिखा था, अभी लाई है मैंने ऊपर डायरी हो। तो आज बन रही है बीन्स की सब्जी, कितनी प्यार से मेहनत हो रही है। तो मैंने अभी क्या किया था, यहाँ कैमरा रखा था सीक्रेटली, और देखते हैं इन तीनों ने कैसा तांडव मचाया था। तो भाई ये तो अव्य को पढ़ने जाना था इसलिए वो चली गई, अदरवाइज भाई कसम से ये जो तीन बच्चे इन्होंने तबाही मचा देनी थी यहाँ पे। तो मेरा हिडन कैमरा वैसे सक्सेसफुल हो रखना। और यहाँ देखो इसको, ये नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। और इसको मेरे बैग में चढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी प्रकृति की सरदर्द हो रही है तो उसको रेस्ट दे दिया टोटली। इसको खाना खिलाना और सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। शिशु करवाना नहीं, शिशु तो कर लेता है, शिशु कर लेता खुद से। और देखो पीछे साहब जी, साहब जी अपना साहब जी। बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ कोई नहीं। जा कहाँ रहे हो? हम जा रहे हैं मामा। तेरे को जंप देना था, ये भगवान कसम बड़ा शरारती बच्चा। तो आज मैं शिवम को खिला रहा हूँ अपने साथ डिनर। तो डिनर में बनी आज फ्रेंच बीन्स और आलू। खाओ खाओ, हाँ मीठा, ये खाई रोटी। तो शिवम आजकल पता कैसे खाता है, चलते फिरते रोटी खाता है, कभी मेरे पास, कभी दादू के पास, दादी के पास, मम्मा के पास, कभी मेरे पास, कभी इसके पास, ये सबकी रोटी चुरा के भाग खा लेता है और फिर भाग जाता है। पूरे तंदूर रूम के ऐसे चारों तरफ चक्कर लगाता है। और हाँ, आई नो आपको तंदूर रूम काफ़ी मैसी दिखता है, इसका रीज़न ये तीन बच्चे हैं यार, इतना गंद डालते हैं, इतना गंद। और यहाँ पे थोड़ी एक बोरिया रहती है, ये जो बोरी है ये है बूरे की, ये ज़रूरत रखनी पड़ती है। तो इसी के साथ अपनी नाइट हो चुकी है, अब ले चलेंगे हम शिवम को नीचे। यहाँ देखो लड़के का हाथ आ रहा है मेरी तरफ, क्या करना है? अच्छा लगाना है। शिवम देखना चाहिए, हाँ गिजी 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 ए गिजी 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 इस पे बना रही ना। अब लंबी बोलेगी, लंबी पेंसिल है, एक घुसा दिया, एक अभी इस साइड से बन गया। ऐसे जोर लगा के नहीं, पेंसिल पे लगाना जोर, बस मैंने लगा दिया जोर। ये है क्या वैसे, क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
चलो बाय करो, बाय बाय करो, बाय करो, बाय करो, बाय, हाथ से कर बाय।